कवि भाम साहब के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सर, ये आज की जो आपने जो भाम साहब कांशीराम जी का जो नाम दिया है, मनोहर कांशीराम साहब ने वो भाम साहब बनाई थी, DS4 बनाई थी, फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई जाए, तो सर ये भाम साहब आपका जो बनाई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाबा साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो बाबा साहब ने आज के दिन 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर हमारे पढ़े लिखे कर्मचारियों को और विद्यार्थियों को और महिलाओं को संबोधित करते हुए और बात कहते कहते वो रो पड़े थे कि मेरे समाज के मेरे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साथियों ने धोखा दिया। तो जब साहब कांशीराम जी को ये बात का एहसास हुआ 1964 में कांशीराम जी सर्वे ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ने के बाद और पूना के अंदर एक्सल प्रोग्रेसिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिप्टी डायरेक्टर के पद पे कार्य कर रहे थे, तो वो रेलवे स्टेशन के साथ साथ जा रहे हैं और कुछ हमारे समाज की लड़कियां कैंडल लेके खड़ी हुई हैं। तो जब उन्होंने अपने साथी से पूछा, सहयोगी से, कि ये आपके यहाँ कौन सा पर्व है, तो उन्होंने कहा कि आप खुद ही जाके पता करिए। जो वो पास में जाते हैं और लड़कियां भाग के उनके पास आती है, वो कहते हैं साहब आप 2 रुपये दो और मेरे साथ पूरी रात बिताओ। और तो उन्होंने पूछा कि ये तो गलत बात है, क्या इस देश में आज़ादी के बाद आज भी इस समाज की बहन बेटियों को शरीर बेचना पड़ रहा है, शरीर बेच के रोटी खानी पड़ रही है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने उस वक्त कांशीराम जी ने अपनी टाई खोली और अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और ऐसा करके उन्होंने बाम से एक कर्मचारियों का एक संगठन बनाने की कोशिश की। और जब उन्होंने 18 मार्च 1956 का बाबा साहब की कई हुई बात को याद किया, तो उनको ये लगा कि केवल एक ऐसा वर्ग है जो नौकरी कर रहा है और वो अगर पे बैक टू द सोसाइटी, समाज को कर्ज अदा करे, उन लोगों को अगर मैं इकट्ठा करके और इस रास्ते पर ले आऊँगा तो समाज आज़ाद हो जाएगा। उसी लड़ी में आज 18 मार्च का दिन है, उसी ऐतिहासिक दिन है, 18 मार्च 1956 को याद करते हुए एक बार फिर बाबा साहब के साथ साथ साहब कांशीराम जी का जन्मदिन भी है 84वां, जन्मदिन के अवसर पर बहुजन सम्राट कांशीराम जी के जन्मदिन के अवसर पर भाम साहब ने अपना ये संसद भवन के साथ ये अपना संसदीय प्रणाली पर विश्वास व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम के 3 उद्देश्य हैं, एक संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और विचारधारा बचाओ। हमारे पूरे देश में एक दक्षिणपंथी विचारधारा किसी धर्म के नाम से लोगों के अंदर भेदभाव करके आपस में कुनबों को उनको लड़वा के और जितनी जो जीवन मूल्य की है, महंगाई है, बेरोजगारी है और दूसरे देश के विकास की सारी बातें छोड़ के और केवल जाति और धर्म के साथ साथ उन लोगों के बीच में एक भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसी विचारधारा जो नारे लगा रही है, जगराते कर रही है और सड़कों पे ऐसे आंदोलन कर रही है, आपने उत्तर प्रदेश का भी पीछे शाहजहाँपुर का घटना देखी होगी कि वहाँ पे मुस्लिम मोहल्ले में जाके और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन ऐसे वो साबित करें कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के हैं या मुसलमान गद्दार हैं, देशभक्ति का ठेका जो दे रही है। तो इस भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका के 4 न्यायाधीश आके ये कहते हैं, वो कहते हैं कि इस देश में संविधान को खतरा है और भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के 4 लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे में। तो मनोहर, मैं आपसे जान लेता, जब मनोहर कांशीराम साहब ने भाम साहब बनाई थी उस समय कांशीराम साहब के जो साथ में जो भाम साहब में शामिल थे, सभी लोगों ने कहा कि साहब इसको रजिस्टर्ड कराओ, इसको रजिस्टर्ड कराओ, लेकिन कांशीराम साहब अपने हट पे लगे रहे, उन्होंने उस भाम साहब को रजिस्टर्ड नहीं कराई, तो उसका क्या कारण था जो रजिस्टर न कराने का? उसका संवैधानिक कारण था, जब हम किसी 1860 एक्ट के तहत किसी संस्था को रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको सारे पते और हर चीज़ के आपको बताना पड़ेगा और आप कहीं आंदोलन नहीं कर सकते, आप ज्ञापन नहीं दे सकते, आप दंडा नहीं लगा सकते उस एक्ट के तहत। तो आज तक जितनी ऑर्गेनाइजेशन एटक है, सीटू है या आपके BHMS है या आपकी RSS है, कोई भी ऐसा संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग जो कांशीराम जी के साथ काम कर रहे थे, उन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं से, अर्जुन सिंह पंजाब के गवर्नर होते थे, SB चौहान महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, उन दोनों के साथ आर्थिक सौदेबाजी करके और इस बहुजन समाज को बहुत बड़ा धोखा दिया। 26 फरवरी 1986 को चंडीगढ़ के अंदर अग्रसेन भवन के अंदर ये सारी बातें खुल के हुई सामने हुई और साहब कांशीराम जी ने बाद में जिन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उन लोगों को खरीदा, तो उन लोगों के उनके नरसिम्हा राव के हैंडराइटिंग से 110 लोगों के नाम लेके आए
राजीव गांधी के साथ बातचीत करके कि इन 110 लोगों ने समाज को धोखा दिया और कांग्रेस से बड़ा पैसा लेके और बहुजन मूवमेंट को धोखा दिया, दगा किया। इसलिए वो जो बाम सेप हैं, चाहे वो बाद में टीएस जल्ली की थी, खापरडे की थी, या जो जितने लोग थे उनके सबके नाम से अलग अलग बाम सेप बन गई, लेकिन साहब कांशीराम जी की मूल बाम सेप, आपकी जो मूल बाम सेप है, ये किस पैटर्न पे काम करेगी? राजनीति पैटर्न पे करेगी या सहयोग देने का काम करेगी? बामसेब कांशीराम जी का एक प्रोडक्ट है कि वो एक नेत्र, हम गुलाम इसीलिए हुए कि हमारे पास अच्छी लीडरशिप नहीं हुई, तो अच्छा नेतृत्व तो पैदा करने के लिए कांशीराम जी ने तीन शर्त रखी, नंबर एक वो कैडर बेस हो, नंबर दो ब्रॉड बेस हो, नंबर तीन मास बेस हो। तो बामसेब के कार्यकर्ता की पहली ये शर्त थी, बामसेब स्कूलिंग करती है, ये विश्वविद्यालय की तरह वर्कशॉप करती है और अलग अलग गाँव में जाके, शहर में जाके सेमिनार करती है, वर्कशॉप करती है, कैडर कैंप लगाती है और कैडर कैंप में नेतृत्व तैयार करती है ताकि वो नेता बिके नहीं, ना बिकने वाले। अधिकतर कांशीराम साहब जब अपने मन से बोला करते थे, समाज को ललुआ का एक उनका तकिया कलाम था, मनो कांशीराम कहते हैं मेरे ललुआ समाज के लोगों कि तुम कब सुधरोगे, कब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होने बंद करेंगे। साहब कांशीराम जी को इस बात की बड़ी पीड़ा थी कि हमारे समाज जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का शासक वर्ग रहा है, हम अगर इतिहास में जाते हैं तो हमारे 10 मौर्य सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदत्त मौर्य तक, और उनको जिस तरीके से मारा गया और बृहदत्त मौर्य की हत्या करके पुष्यमित्र सिंह ने और हमारा प्रतिक्रांति की, उसके बाद हमारे समाज को ऐसी दशा में ले जाया कि हमारे मौलिक अधिकार सब खत्म कर दिए गए, हमारे धन धरती हमारे से छीन ली गई, शिक्षा छीन ली गई, संस्कृति छीन ली गई। तो वो जो समाज जो इतना पीड़ित समाज था वो अब भिखारी की तरह जिंदगी जी रहा था, तो इसलिए वो लोग हमें गाली के तौर पे लल्लू कहते थे, ललुआ। तो बाबा साहब कांशीराम जी ने उस गाली को स्वीकार किया कि मेरे समाज को मैं लल्लू समाज से, ललुआ समाज से और शिक्षित करके, ट्रेनिंग देके और अपने पाँव पे अपनी ताकत, दो पहिए दो पाँव की बात की। सर एक कांशीराम साहब ने एक मंच पे ये भी कहा था कि भाई या तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी चाहिए या बहुजन समाज की सरकार बननी चाहिए, अगर ये सरकार नहीं बनती है तो आपको लंगड़ी सरकार बनानी होगी, और लंगड़ी का क्या उद्देश्य था उस समय जब माननीय कांशीराम साहब ने बोला? साहब कांशीराम जी का शुरू से ये मानना था कि अगर जितनी बहुमत से सरकार बनेगी दूसरी विचारधारा की, हर पार्टी का एक राजनीतिक करैक्टर होता है, जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है और व्यापारियों की पार्टी है, वो जो भी नीतियाँ बनाएगी उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए बनाएगी, आम जनता के लिए वो कुछ नहीं बनाएगी। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी है वो ब्राह्मणवादी पार्टी है, वो या तो पुजारी के लिए या निकरदारी के लिए या व्यापारी और उनके लिए, खास करके कांग्रेस जो करती है, जो जिस स्टेट में सामंतवादी तत्व है उनको आगे करके बनाती है, तो वो दोनों ही पार्टियाँ जो मुख्य पार्टियाँ इस देश में, वो दोनों पार्टियाँ ऐसा कर रही थी। तो साहब कांशीराम जी ने एक ऐसी पार्टी का गठन किया, पहले बामसेप बनाई, DS4 बनाई, फिर 1984 में BSP बनाई, और BSP का और DS4 का एक नारा था, बामन बनिया ठाकुर छोर, बाकी है सब DS4। इसी तरीके से BSP में ये था कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर ना ही तो ठाकुर, ना ही ब्राह्मण और ना ही बनिया इसकी टिकट पे चुनाव लड़ेगा, ना इसका मेंबर बनेगा। तो बहन जी ने कांशीराम जी के जाने के बाद, या कांशीराम जी जिस तरीके से गए, कांशीराम जी की जो मृत्यु है वो संदिग्ध है, आज तक कितनी दुनिया में जितने लोग भी महापुरुष गए हैं उनके जाने के एक दिन दो दिन बाद उनकी डेड बॉडी को रखा गया, उनको सम्मान के साथ उनको विदा किया गया, कांशीराम जी को निगमबोध घाट में जलावारिस लाशों को वो किया जाता, संस्कार किया जाता है, कांशीराम जी का वहाँ संस्कार किया गया। तो हमें ये लगे, आपने बोला कि मतलब एक दो दिन रखा जाता है दर्शन के लिए रखा जाता है और संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन सर उस समय आपको पता होगा कि जो उसके परिवार के लोग थे, माननीय कांशीराम साहब के परिवार के लोग थे, और कांग्रेस बहुत पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि जब बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया उस समय जो उनके जो भाई थे, बहन थी, वो कांग्रेस से मिले हुए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि मायावती की वो कांशीराम जी की जो बॉडी है उसे देना नहीं चाह रही है। अगर इस तरीके की अगर कोई भ्रमणा होती तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाता, क्योंकि ऐसी वो उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और एक ये सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि इस कांशीराम जी की डेड बॉडी हमें दी जाए, हम इसका संस्कार करना चाहते हैं सम्मान के साथ, देश का बहुजन समाज के लोग बहुत, इनका करोड़ों लोग हैं जो इनको देखना चाहते हैं, और उसके लिए
कोई ज़्यादा टाइम रखा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। उन 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि 2 बजे संस्कार किया जाएगा, जबकि 11 बजे ही कांशीराम जी का संस्कार कर दिया गया। और हाईकोर्ट ने, मैं देश के अंदर पूरे हालात और दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ, ऐसे हालात हो चुके थे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है और एक तरफ ऐसे की जा रही है। ये आम भाषा में भी ये कहा जाता है, अगर किसी की बॉडी अगर 2-4 घंटे रख ली जाए तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन उस समय तो ये हालत थी कि मतलब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है और पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है, मायावती पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की हालत थे नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी कोई दबाव नहीं बना रहे थे और बहन जी तो किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। केवल सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए गए थे कि इन साहब कांशीराम जी का अगर नेचुरल मौत है तो उसका वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, ये एप्लीकेशन उनके परिवार के लोगों ने लगाई थी। सर वो तो कई महीनों से बीमार थे, सालों से बीमार थे, और ऐसे अचानक ऐसे आपका ये आरोप है, ये आरोप लगा रहे हैं कि संदिग्ध मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये आरोप उनके परिवार के लोग लगा रहे हैं। जैसे उनके साहब कांशीराम जी की बहन है स्वर्ण कौर है, वो मंचों पे लगा रही है, सीबीआई से जांच की मांग की है। तो बहुत ऐसे लखनऊ में, ग्वालियर में, दिल्ली में, गागरा में, ऐसे कई जगह पे उन्होंने आरोप लगाया है। और उनके जो साहब कांशीराम जी का जन्म स्थान है बुंगा साहब, वहाँ भी वो हर जनसभा में ये बात कहती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है, संदिग्ध तो है। अगर परिवार के लोग, या तो बहन जी की ड्यूटी बनती है या बसपा के जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, और समाज के प्रति उनकी जिम्मेवारी भी है कि वो बताएं कि नहीं हम ठीक ठाक हैं। और अगर वो बीमार थे या वो परिवार के लोग कहते हैं कि उनको बीमार कर दिया गया था, या बीमार थे या कर दिया गया था, वो तो एक इसके लिए एक जांच की आवश्यकता है, नितांत एक जांच की आवश्यकता है कि इस विषय पे जांच तो होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तो बहन जी को डरना नहीं चाहिए। अगर वो निष्पक्ष है, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनको खुद पहल करनी चाहिए कि आओ कांशी मान्यवर कांशीराम जी की अगर उसमें कोई इश्यू है तो मैं जाँच करवाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये जैसे आपने ये मुद्दा उठाया, इस तरीके का मुद्दा बहुत गर्माया था, बहुत अच्छा हुआ था। देखिए, बहन जी ने उस समय भी बोला था कि जो एक जब मान्यवर कांशीराम साहब को रखा गया था, पूरा एक नर्सिंग होम बना रखा था, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, वहाँ सारी मशीनरियाँ थी, और उनकी जितनी सेवा वहाँ हो रही थी, हो सकता है कि उनके परिवार के लोग इतनी सेवा ना कर पाते। जो बत्रा हॉस्पिटल है वो आडवाणी जी के दामाद का हॉस्पिटल है, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है। हैदराबाद इंस्टीट्यूट में उनका इलाज हो रहा था, हैदराबाद में जहाँ वो बीमार पड़े, वहाँ इलाज बढ़िया हो सकता था। वहाँ से एयर एम्बुलेंस से वो लेके आई, 3 दिन वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रही है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर ठीक से इलाज कर रहा था तो बत्रा हॉस्पिटल में उनको अलग से ट्रीटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने आप ही अलग से और किसी को मिलने ना देना, ऐसी भी परिस्थिति में नहीं थे कि आईसीयू में भर्ती होते हैं उनके परिवार के लोग वहाँ भी मिल लेते हैं। अगर वो आईसीयू में नहीं थे तो फिर उनको मिलने देने में दिक्कत क्या थी, उनको मिलने नहीं दिया गया, 3 साल ऐसा रखा गया। तो ये परिस्थितिजन्य आरोप है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये आपकी जो बाम सेप है वो किसके लिए काम करेगी? बाम सेप अपने ये अगला जो होगा कदम वो पार्टी में तब्दील हो जाएगी, या मतलब इसी तरीके से काम करेगी? नहीं, हम बहुजन आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम ना बिकने वाला समाज बनाएंगे। साहब कांशीराम जी की एक इच्छा थी कि हमारा समाज जो है ना बिकने वाला, जब समाज बिकाऊ होगा तो बिकाऊ समाज में टिकाऊ नेता नहीं पकड़ा जा सकता, नहीं लिया जा सकता। तो समाज बिकेगा तो नेता भी बिकाऊ मिलेगा, इसलिए हम ना बिकने वाला समाज बनाएंगे। और हर गांव में घर घर जाके हमारे लोग समाज को फिर उनकी बुराइयां दूर करने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए और अच्छी अपने नौकरियों का अधिकार के लिए, जैसे हम आज शाम को 4 बजे माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, 21 सूत्री ज्ञापन है हमारा, वो ज्ञापन देंगे तो हमारे हक अधिकार है। वो जैसे 170वां संशोधन विधेयक अभी तक पास नहीं किया गया, हमारे जितने भी अधिकार है उनको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल के, लंबे समय से हमारी मांग रही है कि 9वीं अनुसूची में डाल के, और वो उस फंडामेंटल अभी मन से बोला जा रहा था कि जो बाबा साहब के संविधान के तहत जो जीत कर आते हैं, रिजर्व सीट से जीत कर आते हैं, करीब करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी काफ़ी सारे हैं और विधायक भी काफ़ी सारे हैं, जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, यार इस तरीके की जो विडंबना होती है तो वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, वो इसलिए नहीं उठाते हैं कि वो पार्टियाँ जो उसको टिकट देती है, तो हमारे समाज के सबसे ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जो नहीं बोल सकता, और वो जो व्यक्ति चुन के आ जाता है
सीट पे, जैसे उदित राज का उदाहरण ले लो या रामविलास पासवान, जो लोग हैं उनकी अपनी पार्टी है, इसके बावजूद वो नहीं बोल पाते। उनको ये डर रहता है कि रिजर्व सीट के अगेंस्ट जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपके वोट बैंक, जैसे 15 लाख वोट अगर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में, तो शेड्यूल्ड कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के या शेड्यूल्ड कास्ट के वोट तो 4-5 लाख है, बाकी वोटों का बंटवारा दूसरे से होता है। तो वो अगर ऐसी बात करते रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो आगे से उसको वोट नहीं मिलेगा, तो वो इस बात के लिए कि मैं अगली बार नहीं चुना जाऊंगा, तो हमारा ना ही तो विधायक है किसी भी स्टेट का और ना ही एमपी जो रिजर्व सीटों से चुन के आ रहे हैं वो नहीं बोलते। लेकिन ओपन सीट से अगर हम चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हमारे वोट तो ओपन सीट में भी है, ओपन सीट में अगर हम चुनाव लड़ के आते हैं तो हमारे विधायक भी बोलेंगे, हमारे एमपी भी बोलेंगे, और हमारी अपनी पार्टी अगर कोई, जैसी पार्टियाँ हैं, आरपीआई है, बहुजन समाज पार्टी है, और आपकी ये बहुजन संघर्ष दल है जो फूल सिंह बरैया जी चला रहे हैं, तो वो तीनों पार्टियाँ अगर अपने लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को, म्यूनसिपल माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो ईसाई है, मुसलमान है, उनको टिकट दे, उन जनरल उनके कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़वाए, तो वोट हमारा 100 में से 85% हम लोग हैं, तो हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं। तो बहन जी भी आज क्या कर रही है कि बीएसपी साहब कांशीराम जी के जाने के बाद बहन जी भी उन लोगों को टिकट नहीं देती, हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं देती। बामन बनिया ठाकुर जिनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया गया था, बहन जी उन्हीं को टिकट दे रही है जनरल सीटों पे। लेकिन सर एक समाज से तो ये उद्धार नहीं होने वाला, एक समाज अगर आप जाट भी कहें कि वो बहुजन समाज पार्टी के पीछे जाट लगा पड़ा है, एक समाज से भी तो बात नहीं। नहीं, एक जाति से नहीं बात बन सकती, और हम एक जाति को चाहते भी नहीं। हाँ, समान। तो 6743 जातियाँ, 6743 जातियों को जोड़ के, जैसे बाबा साहब ने SC ST OBC और माइनॉरिटी कमेटी बनाई, 4 ग्रुप बना दिया, तो हम जाति तोड़ के समाज बनाना चाहते हैं, जातियों को जोड़ के समाज बनाना चाहते हैं और बहुजन समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमारे जो बामसेप के लोग या बामसेप जिस किसी भी राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करेगी, ऐसे राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करेगी जो संगठन हमारे लोगों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कोरी समाज का आदमी है, चाहे कोली है, चाहे वो कुर्मी है, चाहे वो कुम्हार है, चाहे सुनार है, तेली है, तमोली है, या शेड्यूल्ड कास्ट में दानक है, वाल्मीकि है, कोई भी है, उन सबको, जिसको भी वो टिकट देगा और ओपन सीट से टिकट देगा, हम उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन सर वही बात हो रही है कि जिससे अभी आपने बताया पार्टी को नाम गिनाए, अब बीजेपी से आपने बताया कि रामदास अठावले जी हैं वो मंत्री जी हैं, उदित राज जी हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको सम्मान दिया गया, लेकिन उस सम्मान के तहत आप लोगों की बातें वो कहाँ उठा रहे हैं, बहुजन समाज की बातें कहाँ उठा रहे हैं, दलितों की बातें क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? थोड़ा फर्क है, रामदास अठावले खुद की पार्टी के RPI अंबेडकर अठावले की पार्टी से चुन के आए हैं, वो थोड़ा सा मर्द आदमी दिखता है, कुछ कई बार वो बात कह देता है, जैसे पूना की घटना हुई, पूना में 1 जनवरी की जो घटना थी, रामदास अठावले ने अपनी बात रखी लेकिन दूसरे बात नहीं रख पाए, क्योंकि वो उनको ये उदित राज अपनी बात नहीं रख पाए, क्योंकि उदित राज को ये था अगर मैं ये आज बात रखूँगा तो मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। इसलिए कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 की जो पार्टी बनाई, उनका उद्देश्य यही था कि अगर हमारा आदमी पार्लियामेंट में, असेंबली में अपनी बात रखेगा तो अगली बार उसको टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए पार्टी बनाएगी और पार्टी से जो आदमी आम कार्यकर्ता था उसको टिकट देगी और वो MLA बने। ऐसे आप उत्तर प्रदेश में देखो, मिले मुलायम, कांशीराम, हवा हो गए, जय श्री राम, तो बैकवर्ड समाज को जोड़ के मुलायम सिंह को साथ जोड़कर। अच्छा सर, ये अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर चुनाव हुआ है, इसको आप किससे जोड़कर देख रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म आधारित राजनीति कर रही है, जो लोगों के बीच में एक नफरत पे हेट पॉलिसी के हेट नफरत जो कर रही है, तो वो लोग अब समझ चुके हैं। इन्होंने कहा इतने करोड़ लोगों को अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे और इतने लोगों को रोज़गार देंगे, करोड़ों लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं दे पाए और कोई अच्छे दिन नहीं आए और नोटबंदी और वो सारी चीज़ें आपने देखी, तो समाज इस बात को 4 साल में समझ गया। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को नकार दिया, उसका आपका बिहार का भी ताज़ा उदाहरण है, जो तो इनको, इनके खिलाफ इनकी सरकार है वहाँ, इनके अलायंस सरकार वहाँ काम कर रही है, वहाँ से मुँह की खानी पड़ी, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को मुँह की खानी पड़ी, और इसी तरीके से अगर आप दूसरी जगह देखते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 2 सीटें कांग्रेस लेगी गई। मैं नहीं कहता कांग्रेस कोई अच्छी पार्टी है, कांशीराम जी कहते थे बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है, दोनों ही पार्टियाँ सी है, लेकिन कांशीराम जी एक बात और भी कहते थे कि अगर बड़े दुश्मन को हराना है तो छोटे दुश्मन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो बामसेप कांशीराम जी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि जो बड़ा दुश्मन है, जो संविधान, उनका मंत्री सरेआम कहता है हेगड़े, वो कहता हम आए इस देश में संविधान को बदलने के लिए, तो हमारा एजेंडा जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, तो वो
यही है, बाम से यही लोगों को एजुकेट कर रही है और किसी तरीके से इन लोगों को जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिख दिया, वो अधिकार ना चले। बाबा साहब ने खुद कहा था कि अगर इस कारवां को मेरे महापुरुषों ने और मैंने बड़ी अथक मेहनत और संघर्ष करके यहाँ तक मैं लेके आऊँ, अगर आप इसको आगे ना ले जा सको तो इसको पीछे भी मत जाने देना। तो बामसेब क्या करी, बामसेब केवल बाबा साहब को उन्हीं अधिकारों को जो बाबा साहब ने बड़ी संघर्ष करके हमें दिया, चाहे वो लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लड़के लेके आए या गांधी ने हमारे से छीन लिया, उसी को फिर आगे से मेंटेन रखने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। और आज जो हमारे लोग आए हैं वो 10 स्टेट के लोग हैं, प्रतिनिधि है, वो प्रतिनिधि यहाँ से तैयार होकर जाएंगे। हम संगठन पे भी अब फैसला लेंगे, इसके लंच टाइम के बाद हमारा एक सेशन है 2 घंटे का, उसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत कर रहे हैं और उसमें कुछ हम अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, सिलेबस भी चेंज कर रहे हैं कि हमें किन किन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है। तो जो इनके जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, जिस तरीके से हमें अपने एक लाठी झांकना चाह रही है, तो उस देश के इवन देन सर्वोच्च न्यायालय तक की चिंता को हम बड़ा गहरे से सोच रहे हैं। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी हम अपील करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये बंद करें और संविधान के अकॉर्डिंग ये सरकार काम करे, जितना भी इनके पास कार्यकाल बचा है वो अच्छा काम करके दिखाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, बहुजन समाज इनको माफ़ नहीं करेगा। और बहुजन समाज को भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस बात के लिए वेट मत करेंगे कि फिर से कोई एक हमारे बाबा साहब आएंगे या साहब कांशीराम जी आएंगे, आप में से एक नेता को आपको चुनना पड़ेगा, उसके पीछे आपको लामबंद होना पड़ेगा। और आप में से एक नेता के साथ अगर आप लामबंद हो जाते हैं कि आप आंदोलन अगर खड़ा कर देते हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि जो जो हमारे संविधान की तरफ उंगली उठेगी उस उंगली को जो है बहुजन समाज तोड़ना या मरोड़ना जानता है। तो ये आज का कार्यक्रम हमारे चले।